और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बेगूसराय सीरियल शूटआउट मामले में बड़ी खबर, जिसमें इस पूरे मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों की तस्वीर जारी की है, यानी अब मामले में दो की जगह चार आरोपी हो चुके हैं। हालांकि वारदात के 42 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस सिर्फ और सिर्फ तस्वीर ही जारी कर पाई है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, आरोपियों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। और ये चार तस्वीरें पुलिस द्वारा जारी कर दी जाती हैं तब जब 42 घंटे इस घटना को घटे हो जाते हैं, लेकिन अभी इन चारों में से एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 42 घंटे बीत चुके हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये इन हमलावरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुलिस की तरफ से जारी की गई है। ये वही बाइक सवार है जिन्होंने कल लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा तक बाइक राइड की और हवाई फायरिंग करते रहे, जिसमें 10 लोगों को गोली लगी और न जाने कितने लोग घायल हुए होंगे। एक शख्स की तो मौत हो जाती है, जिसको लेकर के काफी हंगामा भी मचा है। 9 लोगों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। लेकिन देखिए, बिहार पुलिस की तरफ से चार बाइक्स, ये जो हमलावर हैं उनकी पिक्चर रिलीज कर दी जाती है, लेकिन इन चारों आरोपियों का बिहार पुलिस के पास कोई भी जवाब, कोई भी सुराग नहीं है। अभी भी ये चारों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस के गिरफ्त से बेहद दूर हैं। आरोपी कहाँ हैं ये किसी को भी नहीं पता। पुलिस ने बदमाशों की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। मंगलवार को बेगूसराय में 40 किलोमीटर तक बदमाशों ने गोलियां बरसा करके दहशत फैलाई थी और अभी भी ये चारों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। 10 लोगों को गोली लगी थी कल, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई। वारदात के बाद से सीएम नीतीश और नीतीश के पुलिस सवालों के घेरे में है। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं बिहार में घट रही हैं। जनता काफी ज्यादा परेशान है अपनी जान को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि बताती हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था बिहार में इस वक्त बनी हुई है। बीजेपी लगातार कह रही है कि जंगल राज रिटर्न्स बिहार में आ चुका है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की ये घटना घटी है उससे साफ तौर पर जंगल राज ही हम कहेंगे, क्योंकि चार आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिन्होंने 40 किलोमीटर तक कल जो चार थानों से होते हुए गुजरे, पुलिस को भनक तक नहीं लगी, कोई भी एक्शन वक्त पर नहीं लिया गया और ये चारों आरोपी आते हैं, फायरिंग करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस को अभी तक कुछ भी सुराग इन चारों आरोपियों का नहीं मिल पाया है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी तक बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके इन सभी हमलावरों का कोई भी अता पता नहीं है, पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस सिर्फ और सिर्फ अभी तक इन हमलावरों की पिक्चर जारी कर पाई है, इन आरोपियों का पता नहीं लगा पाई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप देख सकते हैं कैसे ये बाइक सवार आते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से बछवाड़ा थाने पहुंची एफएसएल की टीम, जिसमें बेगूसराय शूटआउट की जांच करेगी टीम। घटनास्थल पर जाकर के पूरे मामले की जांच की जाएगी। हाईवे से फायरिंग के सबूत जुटाने में जुटी हुई है टीम। वारदात के 48 घंटे बाद फोरेंसिक टीम पहुंची है, तो देखिए अब 48 घंटे बीत चुके हैं, अब जाकर के फोरेंसिक टीम पहुंची है। हम खड़े हैं बछवाड़ा थाने में और आप देख सकते हैं कि यहाँ मोबाइल फोरेंसिक वैन आई है पटना से। हमें बताया गया है कि यहाँ पर ये फोरेंसिक वैन जो है अभी यहाँ से मौका वारदात की तरफ बढ़ने वाली है और अब इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी जो अभी तक समझ में नहीं आ पा रही थी पुलिस को, इसकी वजह से फोरेंसिक टीम बुलाई गई है पटना से और अब ये लोग यहाँ से मौकाए वारदात की तरफ निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ कुमार के साथ आदित्य वैभव, बेगूसराय से टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। तो मेरे सहयोगी आदित्य वैभव की आपने ये रिपोर्ट देखी, फोरेंसिक टीम अब पहुंच चुकी है हाईवे से फायरिंग के सबूत जुटाने में जुटी हुई है टीम। वारदात के 48 घंटे बाद फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है। जेडीयू के नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से असामान्य आपराधिक घटना है, तो ऐसे घटना में जिसमें कि न कोई व्यक्तिगत वैमनस्य है न कोई दूसरा कारण है, तो आखिर कारण क्या हो सकता है। तो ये मामले पर तो विभिन्न बिंदुओं पर अगर उन्होंने इस बात की चर्चा की तो इसमें कोई व्यक्ति असहज क्यों हो रहा है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जेडीयू के नेता को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये कोई भी आपसी रंजिश का तो मामला है नहीं, फिर आखिर ऐसी घटनाएं घटी क्यों, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन चारों ही हमलावरों का पुलिस अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला पाई। चार तस्वीरें महज रिलीज कर दी गई हैं, 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये सभी हमलावर खुलेआम बिहार की सड़कों पर अभी भी घूम रहे हैं।
तो इस पूरी घटना को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में अपराध राज है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस तस्वीर जारी कर रही है, जनता रो रही है, सीएम नीतीश कुमार हंस रहे हैं। जी हां, जिस वक्त अर्थी उठ रही थी, परिवार वाले रो रहे थे, एक शख्स की कल जान चली गई थी, जिस तरीके से ये बाइक सवार आए, हमला किया, 10 लोग इसमें घायल हुए, 10 लोगों को गोली लगी, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पूरी घटना को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो किस तरीके से उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट रहती है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, आए दिन जनता की जान जा रही है, उनकी ये हंसी आप सोचिए उस परिवार वालों को कितना दुख पहुंचाती होगी, कितनी चोट पहुंचाती होगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, ये चारों हमलावर सरेआम घूम रहे हैं। पूरा पता करिए, जरूर झंझट कोई किया अभी तक, ये अब देखिए तो पता ही करना है क्या ऐसा। तो सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला, तो हर चीज को वहां के सर ये जो चार लोग थे एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सबको तो जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है, और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था क्यों नहीं कोई काम किया ये भी देखने के लिए, तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है, आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में। लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है, और कल ही जब इसकी थोड़ी अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से टेलीविज़न वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है, तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या हुआ है भाई। जिसकी मृत्यु हुई चंदन कुमार, वो भी गरीब है, उसे कम से कम 1 करोड़ रुपया का आश्वासन कौन देगा? धृतराष्ट्र बाबू ही तो देंगे, दूसरा कौन देगा? उसकी पत्नी को रोजगार कौन देगा? 9 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, क्रिटिकल है भैया, दोष किसका है? सुशासन बाबू को तो चाहिए कि मुखौटा निकालें और देश से राज से माफी मांग करके अपने नैतिकता को वापस कर लें।